तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मैजिक क्लासिक मोटर्स पे। तो आज हमारे सामने ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर, अब ये गाड़ी बिल्कुल अपडेट होके आ चुकी है, जिसके अंदर अब 5-स्टार रेटिंग आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, और भाई इंस्टाग्राम पे क्लासिक मोटर 01 को फॉलो करो, ठीक है। उस पर सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती है जो यूट्यूब पे नहीं आपको मिलने वाली है। जल्दी से इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट मैं आपको देता हूँ। बाकी इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली, तो सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो को देखना, और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये गाड़ी, और इसकी प्राइस वगैरह भी जाननी हो तो भी कमेंट में अपनी सिटी का नाम बता देना, मैं आपको प्राइस वगैरह बता दूंगा। तो चलो अब मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो भाई चलो अब मैं इसकी डिटेल्स वगैरह दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा वाला, ठीक है। और गाड़ी की लुक देख लो भाई, बिल्कुल एक प्रीमियम गाड़ी की तरह आपको मिल जाएगी, मतलब प्रीमियम ही है और ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले LED लाइट्स मिल जाती है, वो भी बहुत ही तगड़ी वाली। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ किस तरह की मिलेगी। यहाँ पे फॉग लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की डिज़ाइन के साथ में। बाकी बोनेट पे कुछ इस तरह की डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाती है, और दोनों की दोनों तरफ लाइट वगैरह आप देख सकते हो भाई, न्यू लाइट्स है तो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलने वाली है। तो पहले आपको लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई देख लो, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट LED हेडलाइट आपको देखने को मिलती है, आपको कुछ इस तरह की साइड वगैरह देखने को मिल जाती है। फॉग लाइट्स अभी मैंने ऑन नहीं की है इसलिए, और गाड़ी अभी ऑन नहीं है, ठीक है। तो फेंडर वगैरह कुछ इस तरह का मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एलॉयज देख लो, 2 कट एलॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं। और टायर साइज की बात कर दो, 180x60x15 इंच के आपको टायर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छे है भाई इस तरह की गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे ORM के अंदर आपको इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज़, इसके अंदर अब आपको 360 कैमरा भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो गाड़ी की लेंथ 3995 की है, तो समझ लो भाई टैक्स से बच गए हो, बाकी 4000 mm से ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टैक्स लगता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर दो, वही 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो एक सेडान गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। साइड लुक देख सकते हो, और काफ़ी लंबी भी है भाई, मतलब 4000 से थोड़ी ही कम है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी आपको लेंथ वगैरह भी देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे शार्क फिन एंडिंग आपको देखने को मिल जाता है, ORM मैंने आपको दिखा दी है। और कैसी लग रही है आपको न्यू डिज़ाइन, वो कमेंट में ज़रूर देना। और इस बार वीडियो में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई किया, तो कैसी लगी वो ज़रूर देना। और टेलाइट की बात करो तो देख लो, बिल्कुल डिफरेंट शेप के अंदर आपको टेलाइट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे इसकी है चाबी, जो बिल्कुल सुजुकी ने चेंज कर दी है, काफ़ी अच्छी की है भाई, ठीक है। पीछे की ओर आपको यहाँ पे क्रोम की डिज़ाइन देखने को मिलने वाली, सुजुकी का लोगो। और चाबी में एक चीज़ ऐड हो चुकी है, जो है बूट ओपन करने की। सबसे पहले यहाँ पे डिज़ायर का लोगो देख लो, सबसे पहले बूट को ओपन करता हूँ, तो अब चाबी से ही आपकी बूट अनलॉक हो जाएगी इस तरह से। बाकी काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस आपको देखने को मिलने वाली है, 382 liters की बूट स्पेस है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्पेयर वगैरह देखने को मिल जाएगा, कुछ एसेसरीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और पार्सल ट्रे आपको इसके अंदर नहीं मिलती, क्योंकि ये एक सेडान गाड़ी है, यहाँ पे पीछे के और सामने रखने के लिए अंदर ही जगह मिल जाती है, इसकी डिक्की पीछे से अलग होती है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम बंद, देख लो भाई इसकी साउंड भाई, अब 5-स्टार रेटिंग के साथ में आती है ये गाड़ी, तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। इंजन वगैरह की मैं आपको बात करता हूँ, इंजन दिखा के, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ्यूल कैप वगैरह देखने को मिल जाएगी, और ये गाड़ी 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, एक पेट्रोल और एक CNG। पेट्रोल में इसकी माइलेज की बात करें तो 24.79 किलोमीटर की माइलेज मिलने वाली है, और CNG के अंदर 33 की माइलेज देखने को मिलने वाली है। और इस बार इन्होंने ये गाड़ी को टैक्सी के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए बनने वाली है। और अब आपको मैं इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ, जो अब न्यू इंजन आता है इसका, Z सीरीज इंजन आता है 3 सिलेंडर के साथ में। तो इंजन ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का इंजन आपको देखने को मिलने वाला है। ये Z सीरीज इंजन है, 3 सिलेंडर के साथ में जो मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंजन की बात करूँ, 1197 cc का इंजन है, जिसके अंदर 81 bhp पावर और 111 Nm टॉर्क आपको देखने को मिलने वाली। माइलेज मैंने आपको पहले से बता दिया, 24 की माइलेज आपको देखने को मिलने वाली। और अब इंजन यहाँ पे पूरे के पूरे कवर के साथ में आता है, एक रील मेरी वायरल होती जिसमें यहाँ पे इंजन कवर नहीं था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंजन मिलेगा। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर वगैरह, बाकी की वगैरह मैंने आपको दिखा दी है, और काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के साथ में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और डोर को ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले इतना ज़्यादा से डोर खुल जाता है, और ये टॉप वेरिएंट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह देख लो, काफ़ी चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे देख लो भाई,
यहाँ से मिरर वगैरह कंटेंट कर सकते हो, यहाँ से आप चिल्ड्रन लॉक्स वगैरह मिल जाता है और चारों के चारों बारह डेज के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट दिया गया है प्रीमियम बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे बॉटल और सामान रखने की स्पेस मिल जाएगी। अब बैठता हूँ सीधा मैं अंदर, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आ जाओ तो कुछ इस तरह से बैठ सकते हो आसानी से। इंजन स्टार्ट ड्रॉप बटन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रैक्शन का ऑप्शन है और यहाँ पे 360 व्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली फ्यूल कैप और अपनी बोनेट वगैरह की ऑप्शन मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह से बैठ सकते हो, अब आ जाओ अंदर और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो देखो अब इसकी रेटिंग है 5 स्टार, तो इसकी थर्ड की साउंड तो सुननी ही पड़ेगी। देख लो भाई, मतलब हैवी डोर है भाई, मैंने इसके पहले भी रिव्यू किया है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब आ जाओ क्लस्टर की बारी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं क्लस्टर को, देख लो भाई किस तरह का क्लस्टर मिल जाता है। अब बिल्कुल प्रीमियम गाड़ी मिलती है इसके अंदर, अब आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि टायर प्रेशर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो वही 9 इंच की डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाएगी, बहुत ही बड़ी वाली, ठीक है। और इसके अंदर आपको वॉइस पेज वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आपको देखने को मिलने वाला है। एसी वेंट्स की डिजाइन भी देख लो, बहुत ही चेंज हो चुकी है, बिल्कुल नए एसी वेंट्स आपको देखने को मिलने वाले। तो देखो डिजाइन ने पुराने डिजाइन को अपना रखा ही अंदर थोड़ा अच्छा लगने के लिए, ठीक है। बाकी देखो भाई यहाँ पे आपको डिस्प्ले वगैरह मैंने दिखा दिए, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, अब वो है 360 व्यू। तो यहाँ पे देखो भाई ये स्टार्ट हो चुका है 360 व्यू, यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ, गाड़ी के आजू बाजू कोई है या नहीं, और गाड़ी को निकालना और आसान हो जाएगा अब सेडान वालों के लिए, ठीक है, मतलब डिजायर वालों के लिए, मतलब फीचर्स वगैरह सब कुछ दे दिए गए अब। तो बाकी यहाँ पे देख लो भाई इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैनुअल आईआरएम देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और बात करते हैं अब ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भी वही वाला है नॉर्मल, डिसेंट स्पेस के साथ में आपको मिल जाएगा, मतलब अच्छी स्पेस है, सामान आ जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी अब इसके अंदर मेन चीज़ है ये भाई सनरूफ, अब इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा, मतलब सारी की सारी सुजुकी गाड़ी प्रीमियम में ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो सबसे पहले 12 वोल्ट का पोर्ट और यहाँ पे USB पोर्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस चार्जिंग, जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। बाकी 2 कंप्यूटर मिल जाएगी ये, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आमरेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, पीछे की ओर भी आज जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी वही सारी की सारी चीज़ें आपको कैसे भी गाड़ी जरूरत है यहाँ पे दिखा दिया मैंने, देख लो भाई ये लाइट वगैरह है। और देखो भाई सनरूफ खुलता भी यहाँ से ही है, एक बटन के साथ में, ये टिल्ट के लिए, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपने देख ही ली है, तो अब पीछे जाके मैं आपको इसकी स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं अब सीधा पीछे की ओर, स्पेस वगैरह देखते हैं बाकी कैसी लग रही है अब तक ये गाड़ी, और वीडियो भी कैसी लग रही है वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो पीछे जाने से पहले एक चीज मैं आपको दे देता हूँ, ये ओनली सुजुकी डिजायर है। तो अगर आपको ये गाड़ी को देखना है और आप यहाँ से गांधीनगर और नजदीक से हो अहमदाबाद वगैरह से, तो ये शुरू में सेक्टर 28 गांधीनगर गुजरात के अंदर, और आप यहाँ पे विजिट करके गाड़ी वगैरह को लाइव देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बाकी और गाड़ियों भी देखनी हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई सर्विस वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, और प्राइसिंग वगैरह में भी आपको डिस्काउंट वगैरह भी ये करके दे देंगे। अगर आपको लेनी हो या फिर देखनी हो गाड़ी, तो शोरूम को जरूर विजिट कर देना, मारुति नंदा गांधीनगर गुजरात सेक्टर 28 के अंदर आपको मिलने वाला है शोरूम। तो जाते हैं पीछे की ओर, तो सबसे पहले डोर्स कुछ इस तरह से खुल जाते हैं, कम्फर्ट कितनी रहेगी वो देख लो भाई। तो कुछ इस तरह से आसानी से आप बैठ सकते हो। और लेग स्पेस की बात करो, नजदीक आओ थोड़ा भाई, तो लेग स्पेस यहाँ पे देख लो भाई कितनी ज़्यादा लेग स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ से दिखा दो भाई कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है, मतलब भाई सीट काफ़ी मतलब कंफर्टेबल तरीके से मैंने सेट की है, फिर भी स्पेस मिल जाती है। तो अब बाकी से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो सबसे पहले यहाँ पे क्रोम की डिज़ाइन मिल जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल वही आगे वाला ही मिलेगा, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज मिल जाएगी, स्पीकर और बाकी सारी चीज़ें बॉटल वगैरह रखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिल जाएगा। अब बाकी से दिखाता हूँ, और एक और चीज़ ये दरवाजे की थर साउंड आप बाहर से सुनो। चलो अब इसको मैं बंद करता हूँ। बाकी अंदर यहाँ पे दो दो एडजस्टेबल हेडरेस आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ इतना कुछ रख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी आपको मिलेगी।
सबसे पहले यहाँ पे बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, दो दो कपड़ों के साथ में काफी अच्छी स्पेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे नॉर्मल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और पीछे की ओर जैसे कि मैंने बताया दो दो यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, एक नॉर्मल वाला और एक टाइप सी वाला, और कैप भी मिलती है उसके ऊपर, और पीछे एसी वेंट्स भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपके ठंडक मिलती रहेगी, ठीक है। तो बैठने में देख सकते हो काफी कंफर्टेबल मुझे ये गाड़ी लगी, और सेफ्टी की बात करूँ इसके अंदर 6,000 बैग आपको देखने को मिलने वाले है। माइलेज वगैरह मैं दिखा चुका हूँ, आगे से कुछ इस तरह की लुक मिल जाती है, सनरूफ की लुक भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाड़ी अब प्रीमियम हो चुकी है, ये मारुति डिजायर नहीं भाई, मतलब एक ऑडी की तरह एक प्रीमियम गाड़ी हो चुकी है। बाकी सेडन में आपको कौन सी गाड़ी पसंद है वो भी कमेंट में बता दो। बाकी इस गाड़ी की फुल वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी मिलने वाली ड्राइव के साथ में, क्योंकि ये शोरूम पे खड़ी है, तो मैं आपको बाकी चीजें नहीं दिखा पाऊंगा कि चलने में किस तरह की आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अभी मैं आपको यहाँ पे शोरूम का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, तो चलो अब जाते सीधा बाहर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइव रिव्यू मिलेगी और बहुत सारी कार रिव्यू हमारे चैनल पे आती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो ये है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर का इंटीरियर, आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर देना। बाकी की मैंने आपको दिखा दी, नई की आ चुकी है, बूट भी ओपन हो जाती है इससे, और इसकी प्राइसिंग वगैरह अभी बाहर आ रही है। तो ZX-i Plus की आपको प्राइसिंग वगैरह चाहिए आपकी सिटी वगैरह की, तो कॉमेंट में बता देना अपनी सिटी का नाम, और मैं आपको इसकी ऑन रोड प्राइस वगैरह आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर देना, और गाड़ी बहुत ही तगड़ी है, और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ बहुत ही तगड़ी, बिल्कुल के साथ में मिलने वाली है इस बार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना, मिलते हैं ऐसी और नई किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम आप सभी को।